नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंदसौर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष नईम शाह के ऊपर चार लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमला करने का कारण कुछ दिनों पूर्व कब्रिस्तान की जमीन को लेकर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया था, जिसके कारण सुबह 8 बजे नईम शाह अपनी बाइक से दरगाह पर फूल अगरबत्ती करने जा रहे थे। उसी समय मौका पाकर सलीम लोहार और उसके पुत्र इमरान लोहार और दोनों भतीजों ने मिलकर नईम शाह के साथ मारपीट की और गाली गलौज की। मौके से नईम शाह अपनी जान बचाकर सिटी कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज 323 और 504 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया। नईम शाह द्वारा बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने थाने में कब्रिस्तान में अवैध अतिक्रमण को लेकर थाने में आवेदन दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अतिक्रमणधारियों ने मुझ पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी है। मैं प्रशासन से पुलिस सुरक्षा की मांग करता हूँ। नाम सर, और क्या दिक्कत होगी? मैं नईम शाह लोक जनशक्ति पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। आज मैं सवेरे हमारे कब्रिस्तान की जमीन है, वहाँ दरगाह जमाल सिद्दी रहमतुल्ला की दरगाह है और हमारे परदादा का मजार वगैरह भी है, तो मैं हर गुरुवार को वहाँ जाता हूँ जी। आज मैं फूल वगैरह पेश करने गया था फाते वाते पढ़ने जी। तो सलीम लोहार और उसके दो भतीजे और उसका एक लड़का इमरान वगैरह ने, इन्होंने चारों ने मेरे पे आके हमला करा और बेरहमी से मारकुटी करी। मैं अपनी जान बचा के सीधा सिटी कोतवाली आया, मेरी गाड़ी मोबाइल वगैरह सब मारे गए जी। और आने के बाद मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरी वगैरह करी और मैंने थाना प्रभारी के नाम से भी पहले भी 15 दिन पहले एक ज्ञापन दिया है जी। और तहसीलदार साहब के नाम से भी एक ज्ञापन दिया है। बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों के ऊपर और इन्हों की बहुत दादागिरी चल रही है और सब भूमाफिया लोगों से नहीं, इनसे ये लोग मिले हुए हैं। अच्छा, उन्हों की वजह से आज इन्होंने मुझ पर हमला करा और मेरे को जान से मारने का पूरा प्लान। क्या नाम सर आपका? नईम शाह जी। क्या हुआ? जनशक्ति पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं जी। आज मैं हमारे सरकार जमाल सिद्दी रहमतुल्लाह की दरगाह है और कब्रिस्तान है पूरा, तो आज मैं वहाँ पे फूल वगैरह पेश करने गया था। गुरुवार है, हर गुरुवार को जाता हूँ मैं जी। तो आज सवेरे 8 बजे मैं वहाँ गया तो सलीम लोहार और उसका लड़का इमरान और उसके दो भतीजे हैं, इन चारों ने मिलकर मुझ पर ताबड़तोड़ हमला जैसे किया इन्होंने, तो मैं अपनी जान बचा के जैसे तैसे मैं वहाँ से भगा और सीधा सिटी कोतवाली आ गया। वहाँ पे जो भी थे अधिकारी उनको अवगत कराया, उन्होंने तुरंत मेरे को अस्पताल भेजा और अस्पताल भेज के ने मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है और मैंने 15 दिन पहले भी उनके खिलाफ़ कब्रिस्तान के खिलाफ एक ज्ञापन दिया था कि इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है और इनका जो भी शेड वगैरह है ये हटवाया जाए, और तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया था इस चीज़ से। बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना शासन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उसके बावजूद भी मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की इन शासन प्रशासन ने। मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है जी। एक कितना टाइम पहले का मामला चल रहा है ये? अभी महीना भर तो कम से कम हो गया इस मामले को चलते चलते और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनका शेड हटा और ना अभी तक उन पर कोई कार्रवाई हुई। तो शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनका जो भी शेड वगैरह सब हटाया जाए। ठीक है।